everyone, good morning. Today is our 22nd day of 35 days weight loss challenge. And अब तक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे जब तक हमारा 35 days complete नहीं हो जाता है. आपको इस तरीके से ही डाइट लेनी, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, इसी तरीके से डिटो डाइट आप फॉलो करेंगे. एंड प्लस 3 liter लिक्विड वाटर आपको लेना है एवरी डे. आपका टारगेट होना चाहिए 3 liter लिक्विड वाटर. एंड प्लस साथ में हम करेंगे 10,000 steps. 10,000 steps घर पे रहके ही आराम से हो जाता है. ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इजिली आराम से आप मोर देन 10,000 steps कवर कर सकते हैं. और आपको कब कवर करना है? आफ्टर एवरी मील आपको करना है 20 minutes वॉक. जो वॉक रहेगी वो स्लो वॉक रहेगी, इंटेंस वॉक आपको नहीं करना है. इजिली घर पे रह के वॉक कीजिए, फोन पे घर वालों से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, म्यूजिक सुनिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो आराम से घर पे ही आप करेंगे वॉक 20 minutes आफ्टर एवरी मील. सो ऐसे आपका कवर होना चाहिए 10,000 steps. प्लस जिस तरीके से मैंने आपको वर्कआउट बताई है, वर्कआउट जो हम कर रहे हैं हिट वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिनका भी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा हिट वर्कआउट और ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न करता है हिट वर्कआउट. सो हिट वर्कआउट की वीक वाइज मैंने वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर रखी चैनल पे, तो आपको उसी तरीके से चलना है. तो 22nd day है, तो दैट मीन्स कि आपको आज से स्टार्ट करनी है 4th week की वर्कआउट. आप कंटिन्यू नहीं करेंगे अपनी जो 3rd week की वर्कआउट है. एवरी वीक वी आर गोइंग टू चेंज वर्कआउट, सो दैट आप प्लेट्यू हिट ना करो. प्लेट्यू एक ऐसी स्टेज होती है जहां आपका वेट है वो एक जगह स्टक हो जाता है और फिर कम नहीं होता है. सो दैट स्टेज इज प्लेट्यू स्टेज. सो दैट्स वाई कीप चेंजिंग डाइट ऑल्सो एंड आई कीप चेंजिंग वर्कआउट पैटर्न ऑल्सो. वर्कआउट चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 4th week की आप वर्कआउट करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे 3rd week की वर्कआउट. आज से 4th week हिट वर्कआउट स्टार्ट होती है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है. सो आप जाएं और 4th week की ही वर्कआउट करें. सो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. बट ब्रेकफास्ट से पहले मॉर्निंग में उठते ही यू विल हैव apple cider vinegar drink with 1 glass lukewarm water, and those people who have constipation problem they will take it with warm water. Sip by sip aap lenge, but warm water ke saath aap lenge. And this is your morning drink, and uske baad hum lenge apna breakfast fresh hone ke baad. So breakfast aaj aapka rahega, aaj aapko lena hai quinoa upma. क्विनवा उपमा के अलावा मैं कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही हूँ आज. क्विनवा उपमा ही लेंगे आप. और क्वांटिटी कितनी रहेगी? 1 कटोरी, मीडियम साइज 1 कटोरी. इसके साथ आप ले सकते हैं ग्रीन टी, और जो नहीं रह सकते हैं चाय के बिना दे कैन टेक मिल्क टी बट विदाउट शुगर. एंड प्लस आज मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ मिल्क कॉफी का भी. इफ यू वुड लाइक टू टेक मिल्क कॉफी, क्योंकि आज हमारा 22nd day है, तो आज मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ, गो एंड हैव इट. सो मिल्क कॉफी आज आप लेंगे अगर आपको आज मन करता है, मिल्क कॉफी लीजिए. बट गाइस आप शुगर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. यू वॉन्ट टू टेक जैगरी, गो फॉर इट, बट क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, छोटा सा चंक लेंगे जैगरी का. एंड नो शुगर, शुगर आपको लेना ही नहीं है, विदाउट शुगर आप लेंगे. तो 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, ग्रीन टी, मिल्क टी और मिल्क कॉफी. तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं 1 कप. सो दिस वुड बी योर ब्रेकफास्ट टुडे. ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे. गिव अप करने से पहले एक बार सोच लेना दैट व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी. सो गिव अप नहीं करना है. टारगेटेड वेट को डेफिनेटली आप अचीव करेंगे. अगर 35 days में भी नहीं कर पाए तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लोगे, कुछ दिक्कत नहीं है. 35 days में एटलीस्ट मैं बता रही हूँ कम से कम 8 to 15 kgs तो आप डेफिनेटली लूज करेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट होती है, वैसे हर किसी का मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट है. सो जो रिजल्ट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. बट अगर आप 8 kg भी वेट रिडक्शन करते हैं, जो सबसे मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, तो भी सोचिए 8 kg भी रिडक्शन इज वेरी गुड. डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो लोगों को विजिबल होगा, आपको खुद को विजिबल होगा. और वेट रिडक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैट रिडक्शन. तो अगर आप फैट बर्न कर रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स वाई मेजर बॉडी पार्ट्स, फिर देखिए कितना इंचेज में डिफरेंस है. इंचेज में अगर डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स यू आर गोइंग ग्रेट. अगर आपका वेट ज़्यादा रिडक्शन भी नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, बट इंचेज आप लूज कर रहे हैं दैट्स वॉट मैटर्स अलॉट. सो गिव अप नहीं करेंगे, इसी तरीके से आपको चलना है और डेफिनेटली रिजल्ट आपका है. 35 days का जो वेट लॉस चैलेंज है, 35 days खत्म होने के बाद आप वो कपड़े अपने ट्राई करना जो आपको फिट नहीं आते थे 35 days से पहले, और अब आपको फिट आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं.
तो इसी तरीके से चलना है। और आई एम 100% श्योर कि आपको पुराने जो कपड़े हैं जो आपको फिट नहीं आते हैं, दैट ड्रेस विल फिट यू आफ्टर 35 डेज। तो इसी तरीके से चलेंगे, इसी तरीके से हम डेडिकेटेड और मोटिवेटेड रहेंगे, हमें टारगेटेड वेट को अचीव करके रहेंगे। ऑलराइट देन, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में, जिसे हमें किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। तो मैं आपसे इसके बाद मिलती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर मिड मॉर्निंग स्नैक। सो मिड मॉर्निंग स्नैक में आज आप लेंगे 6 almonds, सोक्ड एंड पील्ड almonds, 6, नॉट मोर देन 6, एंड विद दैट टुडे वी आर गोइंग टू हैव ऑरेंज और कीनो। दोनों में से कोई एक आप लेना है और एक ही क्वांटिटी आप सिर्फ एक लेंगे, 1 orange or 1 kino, दोनों में से कोई एक है, प्लस साथ में हम लेंगे 6 soaked and peeled almonds। सो दिस वुड बी योर मिड मॉर्निंग स्नैक। सो एंजॉय करो मिड मॉर्निंग स्नैक, एंड प्लीज यार भूलना मत 3 liter लिक्वॉर्म वाटर आपको पीना है, 3 liter लिक्वॉर्म वाटर, इफ यू रियली वॉन्ट टू सी अमेजिंग रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वेट रिडक्शन, then you have to drink 3 liter lukewarm water in these 35 days weight loss challenge. तो पानी पीजिए, मिड मॉर्निंग स्नैक अपना एंजॉय कीजिए, एंड इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ लंच टाइम में। बाय बाय, सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। सो लंच में आज मैं बना रही हूँ राइस, प्लस राइस के साथ हम दाल नहीं लेंगे, आज हम लेंगे कड़ी। तो कड़ी आपको बनानी है, बट पकोड़े वाली नहीं, जिसमें आप डीप फ्राई करके जो बनाते हैं कड़ी, वो नहीं लेंगे आज हम। हम कड़ी लेंगे प्याज प्लस मूली की कड़ी। मूली और प्याज के स्लाइसेस को हम ऐड करेंगे, सॉटे करेंगे, ऑलिव ऑयल यूज करेंगे, ओनली ऑलिव ऑयल, कोई और ऑयल आप यूज नहीं करेंगे, और दही एंड बेसन तो रहता ही है कड़ी में। तो इस तरीके से हम आज बनाएंगे कड़ी। तो मूली की कड़ी आपको लेनी है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपका वेट रिडक्शन में, प्लस आपका दही जा रहा है, इट्स रियली वेरी गुड, आपको प्रोटीन मिलेगा। तो मूली की कड़ी और प्याज की कड़ी दोनों को मिक्स करके, मूली और प्याज, इसकी कड़ी आप बनाएंगे। और राइस आज आप लेंगे 50 to 60 ग्राम राइस और 2 chapati विदाउट घी। तो दिस वुड बी योर लंच टुडे। और इसके साथ खूब सारा सैलेड आप लें और अपना लंच एंजॉय करें। इसके बाद फिर आपको करना है 20 मिनट्स वॉक, एंड आई होप अब तक आपने एटलीस्ट 7 glass पानी पी चुके होंगे, क्योंकि अभी लंच का वक्त है, तो 7 glass तक तो आपको पी लेना है। और सनसेट से पहले पहले ही आपको अपना जो 3 liter लिक्विड वाटर का टारगेट है, वाटर इनटेक का टारगेट है, वो आप सनसेट से पहले पहले हो सके कोशिश कीजिए। ओके देन, एंजॉय करिए लंच टाइम, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग स्नैक में। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर इवनिंग स्नैक। सो इवनिंग स्नैक में आज मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ एक ऑप्शन, वही आपको लेना है। आज आप लेंगे ग्रीन टी, तो आप लेते ही हैं एज यूजुअल हर दिन की तरह, विदाउट शुगर 1 cup ग्रीन टी, प्लस साथ में आज लेंगे आप 2 walnuts। 2 walnuts आप लेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है? तो 2 walnuts आप लें, एंड ग्रीन टी लें विदाउट शुगर, और अपना इवनिंग स्नैक इंजॉय करें। सो इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ डिनर में। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इट्स टाइम फॉर डिनर, और डिनर में आज आप लेने वाले हैं बॉइल्ड वेजिटेबल सैलेड विद होममेड चटनी, आइदर ग्रीन और रेड, एनीवन, बट मेक श्योर घर की बनी हुई चटनी होनी चाहिए। और जब आप इन वेजिटेबल को बॉइल करेंगे, तो तभी पानी में आप सॉल्ट ऐड करेंगे। ऊपर से सॉल्ट को बिल्कुल भी स्प्रिंकल नहीं करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू एड ब्लैक पेपर, दैट यू कैन डू, बट नॉट सॉल्ट। सो दिस क्वांटिटी इज फॉर 2 people, यू हैव टू टेक हाफ, जस्ट मेक श्योर अबाउट दैट, एंड एंजॉय रिलिश योर डिनर, एंड आई सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।